हेलो टीम, कैसे हैं आप? क्या आपके मोबाइल में जितनी भी अनवांटेड एप्लीकेशन हैं जिन्हें आप एक बार भी यूज़ नहीं करते हैं, उनको आप एक पर्टिकुलर फोल्डर में सेट करके रखते हैं? तो क्या आप पर फोल्डर क्रिएट करना आता है, या आप कैसे अपनी फोल्डर क्रिएट की हुई एप्लीकेशन को कैसे आप बाहर अपनी स्क्रीन पर ला सकते हैं? तो इस वीडियो में आज हम यही सीखने वाले हैं कि आप कैसे अपनी एप्लीकेशंस को फोल्डर में क्रिएट करके आप फोल्डर के अंदर सेट करें, या फिर जो एप्लीकेशन आप फोल्डर में सेट कर चुके हैं उन्हें आप कैसे रिमूव करें। आइए क्या शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। आपको एप्लीकेशन का फोल्डर बनाने के लिए दो तरीके हैं। सबसे पहले किसी भी एप्लीकेशन को आप लॉन्ग प्रेस करें, उसको ड्रैग करने के बाद दूसरी एप्लीकेशन के ऊपर लेके जाएं। जैसे ही आप वहां जाकर उसे आप रिलीज़ करेंगे तो एक पर्टिकुलर फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। या फिर एक दूसरा प्रोसेस है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, आप दोनों हाथों से या तो अपनी स्क्रीन को पिंच कीजिएगा, यहाँ पर आपको सिलेक्शन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर आप अपने मोबाइल में जहाँ फ्री स्पेस है वहाँ पर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो भी आप सेम ऑप्शन पे पहुँच जाएंगे। अब मैं यहाँ पर चार एप्लीकेशन एक साथ सेलेक्ट कर रहा हूँ और डाउन साइड देखिएगा, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है क्रिएट फोल्डर। जैसे ही मैंने क्रिएट फोल्डर पर टैप किया तो यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट हो गया है। अब सेकेंड प्रोसेस हम ये जानेंगे कि अपने जो फोल्डर के अंदर ये एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल की हैं, सेट की हैं, इसको आप बाहर कैसे लेके आएँ। इसका प्रोसेस ये है कि आपको किसी भी एप्लीकेशन को जिसको बाहर लेके आना है उस पर आप लॉन्ग प्रेस कीजिएगा। जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करेंगे उसे आप ड्रैग करने लगें, ड्रैग करते ही आपके पास एक दायरा आ जाएगा कि फोल्डर का ये दायरा बना हुआ है। इसके आप जैसे ही बाहर लाएंगे आपके पास फिर से होम स्क्रीन आ जाएगी। होम स्क्रीन पर लाकर आप रिलीज़ कर दीजिएगा तो यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन जो आपने फोल्डर में एक सेट की हुई थी उस तरीके से आप बाहर ला सकते हैं। आई होप ये सेटिंग आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।